खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख चैनल के प्यारे दर्शकों, हुणे आप जी ने जो फुटेज देखी है उहदे विच सरदार हरविंदर सिंह जी फूलका ते उहनां दे नाल सरदार जरनैल सिंह जी, जिन्हां बारे आप जी सारे जाणदे हो कि किवें उहनां ने वह किताब लिखी जिस दे विच दिल्ली विच ते होर शहरां विच जो कतलेआम होया सी, रोंगटे खड़े करन वालियां वारदातां उहदे विच शामिल कीतियां सी। नतीजे वजों उहनां नूं अपनी नौकरी भी गुआउणी पई, लेकिन गुरु नूं मुख रखदिआं उहनां ने अपना एक कारज निभाया। सुआब जी ने जिहड़ी फुटेज देखी है उहदे विच सरदार हरविंदर सिंह जी फूलका होरां ने जो योजना बनाई है कि किस तरीके नाल असीं अपना प्रोटेस्ट मौजूदा सरकार दे कन्नां तक पहुँचाउणा है। पिछले 28 दी जगह मैं तो हुण 29 कहांगा, क्योंकि नवंबर आने वाला ही है, बहुत ही दूर नहीं है। 29 साल हो गए ने मनुखी इतिहास दे विच केड़ा वड्डा मनुखता दा कांड होया, लेकिन अज तक किसी भी व्यक्ति नूं सज़ा नहीं दित्ती गई, सगों चलदे केसां दे विच हर मोड़ ते हर मंजिल ते हर पहलू ते रोड़े अटकाए गए और अटकाए जा रहे ने, तां कि किसी भी दोषी नूं इस दी सज़ा ना मिले। ये उही जानते होंगे कि अजिहा क्यों कर रहे ने, क्योंकि दुनिया दे विच आम धारणा होंदी है कि जिस बंदे ने भी कोई दोष किया है उसनू सज़ा मिलनी चाहिए है। सो साडे नाल स्टूडियो दे विच मेरे वीर गरता जी बैठे ने, मैं इन्हां तों पुछना चाहवांगा कि गरता साहब, ये इनू मैं ढिल मठ नहीं कहिंदा, एक बहुत वड्डी साजिश है जी, कि जिहदे अधीन कोई भी इंसाफ दी जिहड़ी किरण है उह सिखां नूं नज़र नहीं आ रही जी। ये अजिहा क्यों हो रहा कंदालवी जी? ये वो सवाल आ, एक पहाड़ जिहड़ा सवाल जे कह लईए जी, जिहदा शोर्ट टर्म ते या कलो सदा पदरा जवाब शायद किसी को भी ना हो, पर मैं समझदा भी समाज विचरदा सानू ये जो विचार कलैक्ट करके, क्योंकि बहुत सारे चिंतक जो है सिख समाज विचर रहे हैं, शायद उन्होंने कोले इहोजे सवालों का कुछ हिस्सा या कुछ आंस जरूर हो। सानू लोड़ आ मिल वर्तन बधाउण दी, सिख समाज विच इकट्ठे बैठण दी, ते उन्हां लोकां दी राय लैणी जिहड़े अज किसी कारण करके सिख समाज के नेड़े दूर हो गया जी। हुण मैं एक गल इत्थे शुरू च कहना चाहवांगा कि यह मसला किसी एक दा नहीं, ये वो हर पंजाबी हर सिख दा जिहड़ा नानक नाम लेवा मतलब संगत नूं बिलोंग करदा, ते जदों कहिंदे हुंदे ना भई हर मुश्किल दा हल हैगा, हल लभना तुसीं तराशना तुसीं हुंदा, क्योंकि कोई भी चंगी चीज़ असीं माड़े जगह तो नहीं लभ सकते, सानूं चंगे बंदे इकट्ठे करने पैणगे। वह चंगे बंदे जिहड़े साडे समाज विचरदे आ, लेकिन कुछ हला गुला हो रहा, कुछ उतरा चढ़ा इहो जिहा चल रहा जिहदे करके जिहड़े चंगे इंसान हैगे आ उह साडे समाज दे जिहड़े वधिया प्रबंध हैगे आ जां समाज दे जिहड़े इहो जिहे इकट्ठ हैगे आ उहनां 'च आउण तों गुरेज करदे आ। सिआणे कहिंदे वी जिन्नी देर चंगे बंदे चंगे काम की खोज नहीं करते उसका रिजल्ट निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। सो मैं बेनती करता भी एक काम कला अमृतधारियों का नहीं है, एक काम कला नॉन अमृतधारियों का नहीं है। सो सानू जिहड़ी हैगी आ गलवकड़ी, सानू एक की कह लो इहोजा प्लेटफॉर्म बनाउण की लोड़ हैगी है जिथे हर बशर आके अपनी कह लो प्यार पूर्वक अपनी अपना योगदान पा सकता। नहीं मेरा सवाल जिहड़ा गर्चा साहब वो इस गा जी कि एक बंदे ने क्राइम किया जी, उस दी सजा उस बंदे नू मिलनी चाहिए है, दोषी नू बिल्कुल मिलनी चाहिए है।
चाहे उहदे बारे कोई कहा जावे किसे नूं, सिफारिश पवाई जावे जां ना पवाई जावे, कोई मुजाहरा किया जावे जां ना किया जावे, हरेक मुल्क का कानून जिहड़ा उस दा विधान जिहड़ा हैगा इह कह रिहा कि जिहड़ा बंदा भी कोई क्राइम करदा कोई जुर्म करदा उस नूं उहदी जो भी कानून दे विच लिखिया हुंदा वे सज़ा मिलनी चाहीदी आ। हुणे हुणे असीं देखिया कि गुजरात विच जिहड़ा मुसलमाना दा कतलेआम होया सी, क्योंकि उहदे विच ज्यादा लोग मारे गए सन, लेकिन जिहड़ा नरोदा पाटिया का एक टाउन सी छोटा जिहा, 97 व्यक्तियों नूं मौत दे घाट उतारिया गया। बिल्कुल जी। और इत्थे तक भी होया कि एक गर्भवती औरत दे पेट विचों बच्चा कढ के उहदा पेट पाड़ के उहनूं भी कतल कीता गया। खबरां आई गल, यस खबरां आया, सारी दुनिया इहदे बारे जाणदी है, देखिया। लेकिन उत्थे मैं ये नहीं कहांगा कि खुशी दी गल है, लेकिन थोड़ी जी तसली वाली गल ये हुई है कि उन्हां दोषियों नूं सजावां मिलियां ने। सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ उत्थे हुई आ कि एक MLA जिहड़ी 3 बन चुकी सी, MLA एक मिनिस्टर भी रह चुकी आ सरकार दे विच, गुजरात सरकार दे विच, उस नूं 28 साल की सज़ा हुई है। गुड। जिहदे विच 2 तरह की सज़ा उन्होंने दित्ती, एक 10 साल की, एक 18 साल की। कई बार ये होंदा कि दोनों सज़ावां जिन्हों इंग्लिश कनकरेंट कहिंदे आ नालों नाल चलदियां ने, उहदे विच वी जिहड़ी वड्डी सज़ा हुंदी है उही गिणी जांदी है, छोटी सज़ा ऑटोमैटिकली उहदी नालों नाल खत्म हो जांदी है। लेकिन उत्थे जज ने विशेष तौर पर फैसला दिता कि पहला 10 साल की सज़ा, उस तो बाद 18 साल की सज़ा जिहड़ी आ इस दोषी नूं कटनी पएगी, ते बाकियां नूं भी उम्र कैद होई आ, फांसियां भी होईयां ने। लेकिन हैरानी इस गल दी है जिहड़ी मौजूदा सरकार इस वेले सेंटर दे विच इन्हां सज़ावां दे उत्ते उन्हां दे मंत्रियां दे उन्हां दे लीडरां दे बयान भी आए ने, उन्होंने बड़ी इत्ते तसली भी जाहर कीती आ कि बहुत ही चंगे फैसले आए ने जजां वल्लों। लेकिन हैरानी इस गल दी आ कि उन्हां नूं अपने दामन दे विच क्यों कुछ नज़र नहीं आउंदा कि साडे भी लीडरां ने, साडे भी उस वेले दे नेतावां ने, साडे भी उस वेले दे मंत्रियां ने, इहदे नालों कई गुणा जिहड़ा वड्डा घल्लूघारा कीता सी, कतलेआम कीता, शरेआम ओह लीड कर रहे सी लोकां दे घरां नूं, ओह दस रहे सी गुंडियां नूं कि इस इस घर दे विच सिख रहिंदे ने, इहनां नूं मारो। बीबी निरप्रीत कौर जी इत्थे आए सी, 2 महीने होए या 3 महीने, ते उन्होंने सारी उह जिहड़ी घटना उन्हां दे परिवार नाल वापरी सी ਉਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि हिंदुस्तान का जिहड़ा जुडिशियल सिस्टम है उहदे विच बहुत खामियां ने, ईवन आम बंदा नहीं कह रहा, उहदे बारे वड्डे वड्डे जिहड़े रिटायर्ड जज ने वह भी यह बयान दे चुके ने कि उत्थे दे सिस्टम विच खामियां हैगियां ने। सो मैं सिर्फ इन्ना आप जी तो पुछना चाहवांगा कि जे गुजरात विच कतलेआम होए जजां दे फैसले नूं सेंटर विच बैठे लीडर जिहड़े ने उहदी शलाघा कर रहे ने, ते ओ एक कदम अपने बंदियां दे खिलाफ चक्कण लई क्यों गुरेज कर रहे हैं? सवाल तुहाड़ा काफ़ी लंबा हो गया लेकिन है बहुत छोटा अखीर मैं नोटिस की ये गल तुहाडी। देखो मैं समझदा भी ये सानू अज सानू नज़र आ रहा भी सिख समाज में हलचल काफ़ी हो रही है, ज़्यादा हलचल जो सानू नज़र आ रही हैगी, पर सानू ये ज्ञान नहीं है कि गुजरात में किना संगठनों ने यह बीड़ा चुकया सीगा जी। सानू उस तर्ज ते अपनी गल उगा तोड़ना पवेगा, जिनी देर असी उस गतिविधि की कह लो भी देखभाल नहीं करते भी उन्होंने किस तरीके अपने केस नू सेंटर या सरकार या की कह लो कोर्टा में लगे आ, तो
शायद असी उस ढंग नाल अपने केसां नूं पुट करज कामयाब नहीं होए। हुण देखो एक कॉलर जुड़ चुके साडे नाल, कॉल लै लईए पहलां, इत्थों ही आपां शुरू कर लांगे। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कौन साहब ते कित्थों बोल रहे जी? मैं जगतार सिंह समैल तों बोल रहा जी। हाँ जी भाजी, की कहना चाहुंदे हो अज दे विषय बारे? विषय ते बड़ा दुखी भरिया वा, ते खुशी इह गल दी आ कि तुसीं संगतां नूं जाणू कराउंदे जे। जी थैंक यू जी। पर आपां इह जे सोचिया जावे ते जिद्दां फूलका साहब उहनां ने अज तुहां पहलां फोटो च दिखा ली आ, उहनां ने 70,000 कहा वा। मेरे ख्याल दे विच कि क्योंकि मैं उस टाइम दे विच इक ते जिला अमृतसर आ रहन वाले सारा की संताप वेख्या, ए एक लख नहीं ए लखा मुंडे उन्होंने मार दिते आ भाजी, एक रियालिटी आ। बिलकुल, क्योंकि असी जान नहीं सके जी, क्योंकि आपां नूं जे पिंड पिंड दा एक तहसील दे विच जाके आपां पिंड पिंड नूं कहीए कि दसो किन्ने मुंडे आ, ते लखा 2-3 लख मुंडा ने मारिया कई जबरदस्ती जी। इन्हां ने जकरिया खान का भी इतिहास जिहड़ा मात पाता, सारा मात पाता, इन्हां दी जिहड़ी नीति आ शुरू तों ही जदों दी इह सिख कौम साजी आ, जदों दा गुरु नानक देव जी ने जनेऊ नहीं पाया और गुरु गोबिंद सिंह बाजा आले ने जदों राजा ने कहा कि सानूं अमृत इस बाटे च ना छका, उदों तों ही गुरु नानक दे घर तों ही लै के इह ईरखा करते आ। इन्हां नूं हिंदुआं नूं किसी कंट्री ना उन्ना डर नहीं गा जिन्ना सिखां दा डर आ, ते होर इह कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा जिन्नी इह प्रोग्रेस कर रहे आ कि इह सिख कौम नूं किदां खत्म करना। सानूं सोचना चाहीदा क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अरदासियां कीतियां 4, और वेखो किन्नी साडी किस्मत चंगी आ कि सानूं इह चैनल मिले आ, सिख चैनल मिले आ। जे किते साडे कोल सिख चैनल उस टाइम ते हुंदा जदों 84 दा घल्लूघारा सी, जदों मुंडिआं नूं कोह-कोह के मारदे सी। एक मैं एक वचन आ मेरा, और मैं एक इह दिली गल वेखी आ कि अखबारां ते जदों भी पढ़दे रहे आ, पेज 2-3 भरे हुंदे सी वी इन्ने मुंडे मुकाबले विच मारे गए, क्योंकि सिर्फ मुंडे ही मारे गए, दूसरी पार्टी नूं कोई जिहड़ी आंच नहीं लगी। और पंजाबी विरसा खत्म करन तां तुल्ले आ, इत्थों तक कि अजीत अखबारां जिन्नियां वी छपदियां सी उहनां नूं पाणी 'च सुट्टिया जांदा रिहा, उहनां नूं पाड़िया जांदा रिहा। इहदियां गुरु नानक दे घर ने, गुरु गोबिंद सिंह बादशाह ने इहदा सिर दे उत्ते अपना ताज रख्या वा, इह ताज राजे राणियां नूं मिलदा वा, इह साडे ताज तों जिहड़े आ दुखी आ, भागां वाले नूं वेख के खुश नहीं। सानूं समझणा चाहीदा वी सानूं की करना चाहीदा वा, और साडियां जिहड़ियां जथेबंदियां जिन्नियां वी आ, कोई आपां किते कानफ्रेंस रखदे आ सेम डे ते, कोई किते कानफ्रेंस रखदे आ, जदों साडा निशाना इक आ ते सानूं कानफ्रेंसां वी इक थां रखणियां चाहीदियां। मैं बहुता टाइम ना लैंदा सिख चैनल दा, दिल दीआं गहराईआं तों। हांजी भाजी, आप जी दा बहुत बहुत धन्नवाद कॉल करन दा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਛੋਇਆ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੰਜਾਮ ਚਲੋ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 3000 ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, 3000 ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਉੱਥੇ। ਸੁਹਾਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੰਦਾਲਵ ਸਿੰਘ ਕੰਦਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਦਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਿਰਤ ਘੰਟਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ।